हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? वेलकम बैक टू गुनुस्वेल चैनल। आज एक बढ़िया सा मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ, आम का अचार। कितना इजी तरीके से आप आम का अचार बना सकते हैं ये मैं आज आपको दिखाऊंगी। देखिए, एकदम बाज़ार से भी बहुत बढ़िया और बहुत टेस्टदार भी है। इतना बढ़िया खुशबू आ रही है, देखिए। मैंने इसलिए आम 1.5 किलो आम लिया हूँ, कच्चे आम। अब आप कैरी भी बोल सकते हैं। देखिए, एकदम बढ़िया सा आम ले लिया। आम को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया हूँ। देखिए, नमक मैंने 2 चम्मच नमक डाल दी, हल्दी 2 चम्मच। अच्छे से उसको मिलाना है। ये जो केरी है ना, ये अच्छे से अगर हल्दी नमक में मिल जाएगी तो केरी के अंदर जो भी पानी है वो पानी निकल जाएगी। पानी निकल जाने से अचार हमारा बढ़िया सा बनेगा। देखिए, एक एक टुकड़े जैसे हल्दी नमक से अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसको 2 दिन के लिए छोड़ेंगे और बीच बीच में इसको मिलाते जाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे बीच बीच में। ऊपर का हिस्सा जो सूख जाएगा वो अच्छे से नमक छोड़ने लगेगा। देखिए, कितने नमक का पानी निकल चुका है। अभी हम ये पानी को निकाल देंगे। देखिए, अच्छे से निकाल देंगे पानी। ये पानी रहेगा तो अचार ख़राब हो जाएगी। देखिए, एक सूती कपड़ा मैंने ले लिया है। अभी मैं उसको धूप में एक एक करके जो केरी बाम इसको मैंने सुखा रही हूँ छत पे, एकदम बढ़िया सा एक एक करके मैंने सुखा दी। देखिए, 2 घंटा हो चुका है, हमारा जो आम का टुकड़ा वो सूख चुका है। अभी मैं मसाला ले रही हूँ, सौंफ 2 चम्मच, मेथी 1 चम्मच और राई देखिए मैंने लिया है, राई 3 चम्मच, बड़े दाना राई मैंने लिया है। बस सरसों ऐसे ही लेना है आपको, कोलंची 1 चम्मच, धनिया 2 चम्मच। इसको मतलब हल्का सा भुनना है, थोड़ा सा लाल मिर्च मैंने ले लिया है, हल्का सा भुनना है, ज़्यादा नहीं भुनना है। हल्का भुनने से जो हमारा कच्चापन है मसाला का वो सब चला जाएगा। देखिए, हमारा मसाला हल्का सा भुन चुका है। अभी हम इसको मिक्सी जार में ले रही हूँ। देखिए, मिक्सी जार में दरदरा पीसना है। देखिए, मैंने दरदरा पीस लिया है। इसे पीसने से आपका अचार का टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाएगा। देखिए, मैंने दरदरा ही पीसा है, एकदम पाउडर नहीं बनाई। मैंने कुछ तेल ले लिया है, 150 ग्राम तेल लिया है। अच्छे से गर्म हो रही है, एकदम धुआं निकल रही है तेल से। अभी हम तेल में थोड़ा चम्मच लेके लहसुन की कुछ कलियां मैंने ग्रेट कर ली थी, देखिएगा चम्मच लेके। देखिए, मैंने तेल में डाल दी लहसुन की कलियां, थोड़ा सा भुन जाए। और कुछ हींग लिए, हींग मैंने 2 चम्मच लिया है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, उसको भी मैंने तेल में डाल दिया। और एक मसाला मैंने एक हंडी में ले ली, और कुछ लाल मिर्ची मैंने लिया है कलर के लिए। वो जो तेल था गुनगुना तेल, मैंने मसाला में डाल दिया है। तेल अच्छे से मसाला में घुल जाएगी और मसाला थोड़ा सा भुन जाएगी भी। देखिए, तेल डालने की वजह से बहुत बढ़िया कलर आ चुका है। थोड़ा सा नमक मैंने ले लिया, मसाला को जितना नमक चाहिए उतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि हमने आम में नमक डाल दिया था। अभी हमें आम सूखा हुआ जो हमारा आम के टुकड़े थे उसको डाल दिया हूँ। अच्छे से मिलाना है, एकदम बढ़िया सा। देखिए, बढ़िया सा मैंने मिला दिया है आम और मसाला। देखिए, अभी हम इसको कपड़े से कवर कर देंगे। मैंने एक हंडी में लिया है, आप चाहे कोई भी बर्तन में ले सकते हैं। देखिए, मसाला डालने से हमारा आम का जो कलर है कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है। अभी हम इसको एक सूती के कपड़ा में ढक देंगे अच्छे से। देखिए, मैंने कवर कर दिया सूती कपड़े से। अभी हम 2 घंटे के लिए धूप में छोड़ेंगे। उससे क्या होगा, जो हमारा मसाला है वो थोड़ा अच्छे से धूप की वजह से पक भी जाएगी और आम में मिल भी जाएगी।
टेस्ट भी बहुत ज़्यादा सा टेस्ट भी आ जाएगा। देखिए मैं बॉटल भी धो के धूप में सुखाई थी। अभी मैं 100 ग्राम तेल लिया हूँ। तेल को अच्छे से गर्म करना है जैसे धुआं निकले, वही यूज़ किया हुआ कढ़ाई मैंने लिया है उसमें मैंने तेल डाल दिया। तेल से थोड़ा थोड़ा धुआं निकलना स्टार्ट हो गया है। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी हम तेल गैस बंद कर देंगे। थोड़ा सा गर्म, देखिए गर्म तेल मैंने लिया, लाल मिर्ची 50 ग्राम, थोड़ा सा तेल डाल के इसको कलर करना है। ठंडे तेल से लाल मिर्च का कलर अच्छा नहीं आएगा। देखिए गर्म तेल मैंने डाल दिया। फिर देखिए जो भी तेल था फिर मैंने वो लाल मिर्च में डाल दिया और मैं छत से अचार को ले आई और उसमें हमारा जो तेल वो बॉटल में भरना है अचार। देखिए मैंने बॉटल में सब अचार भर दिया, अच्छे से भर दिया है। अभी जो तेल हमने रेडी करके रखे थे ना, लाल मिर्च और तेल, मैंने बाद में 100 ग्राम जो तेल था लाल मिर्च में मैंने दे दिया था। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है। थोड़ा सा आप 2 चम्मच तेल देंगे उसके बाद गरम तेल देंगे कलर आ जाएगा। उसके बाद तेल ठंडा होने के बाद फिर सब तेल दे देंगे जितना चाहिए होगा। देखिए मैंने 100 ग्राम लिया था, अभी मैं इसको बॉटल में भरने वाली हूँ। देखिए मैं भर रही हूँ। हमारा बॉटल भरा हुआ है। अभी हमारा जो आम है और आम और तेल, धीरे धीरे आम नीचे जाएगी तेल ऊपर उठ जाएगी। देखिए ऐसे ही आपको 2 दिन एकदम कवर करके छोड़ना है। आप चाहे तो धूप में भी रख सकते हैं, एक मुंह में सूती कपड़ा डाल के धूप में 2 दिन रख छोड़ सकते हैं, लेकिन धूप में नहीं छोड़ेंगे तो चलेगा। आप घर में भी रख सकते हैं, कवर करके 2 दिन छोड़ दीजिएगा, फिर आप खाना स्टार्ट करेंगे। अचार से इतना खुशबू आ रही कि मैं कितना अचार खा भी चुकी हूँ। देखिए बहुत बढ़िया टेस्ट इसका, बनाते बनाते इतना बढ़िया टेस्ट आ रही है कि मैंने इतना सारा अचार खा लिया है। और आप सोचिए अगर 2 दिन के बाद इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो अचार आप ज़रूर बनाइए, घर में बना के एंजॉय कीजिए। आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलेंगे नई के रेसिपी के साथ नई वीडियो में। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना होगा तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।